हाय एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। और आज जो है हम लोग फिर से निकले हैं रावे के लिए। आज ये दूसरा दिन है हमारा विलेज अटैचमेंट का। तो हम लोग किसान को ढूंढ रहे हैं और उनसे बात करेंगे। देखिए बाबा एकदम गन्ना का फसल खोज रहे हैं। हमारे साथ आज तीन लोग हैं और एक मैं, चार। तो अभी जा रहे हैं किन्नी का घर। तो गाइज हम लोग जो है आज आए थे दूसरे गांव, शंकरपुर नाम है यहाँ का और ये सहसपुर में पड़ता है। तो अभी हम लोग मिलेंगे किसान से। यहाँ पे एक दादी जी दिख रहे हैं, उनसे बात करते हैं हम लोग। गाइज आज जो है किसान मिल रहे हैं तो वो बात नहीं कर रहे हैं। बात कर रहे हैं लेकिन मतलब फसल नहीं लगी है। फसल नहीं लगी हुई है। कोई कोई अगर बात भी कर रहे हैं तो उनका फसल नहीं लगा हुआ है। तो अभी एक ट्रैक्टर दिखा है मेरे को, ये चला रहे हैं, दिखाता हूँ मैं आपको। ये चल रही है ट्रैक्टर। इनसे बात करनी है थोड़ी, करते हैं बात हम लोग। तो प्रेजेंटेशन देना। मेरा अंकल जी मिले हैं। आप कहाँ बोल रहे हैं? ये रहा इनका ईख, गन्ना का खेत। अंकल जी हुआ है यहाँ पे। जैसे आपने गन्ना उगाया तो वो इजली आप चीनी मिल में और यहाँ तो वैसे है। और आप अपने से बूट वगैरह बनाते हो? कोई प्लांट लगाए तो वो लोग भी लेते होंगे आपसे? और वो जो रोटरी करते हैं उसका, रोटावेटर का? रोटावेटर का सिंगल का पड़ेगा 600 रुपये, डबल 800। पानी के बीच खाद का अपने खाने के लिए जैसे साग सब्जी देसी, मतलब यही गोबर वाली आलू की, उसमें यूरिया और डीएपी, उसमें यूरिया डीएपी नहीं डालते हैं ना? मतलब देसी अपना खाने के लिए देसी उगाते हैं। तो उसमें क्या होता है, जैसे हम लोग एक बार गोबर की खाद केचुए से खाद बनाना स्टार्ट किया तो खाद में बस गोबर लगेंगे, सूखे पत्ते वगैरह लगते हैं, पतली सड़ी हुई टब डाल के हम लोग केचुआ डालते हैं। जिसके बाद क्या होता है, 3 महीने के अंदर वो केचुए के और केचुए से खाते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, जो उनका मतलब क्या बोलते हैं, जो खाने के बाद निकालते हैं वही खाद बन जाता है। जैसे मान लीजिए, जैसे जो नॉर्मल गोबर है इससे ज़्यादा उसमें ताकत होती है। जैसे मिट्टी है ना आपका, तो जैसे आप केचुए का खाद यूज कर रहे हैं, गोबर का खाद यूज कर रहे हैं, इससे क्या होगा, आपका मिट्टी का लाइफ जो है भविष्य अच्छा रहेगा। जैसे पानी खंजर, जैसे मिट्टी क्या होता है, हम लोग जो खाद डालते हैं तो मिट्टी की उर्वरकता शक्ति जो है धीरे धीरे घटती है। लेकिन वहीं जो अगर हम पुराने तरीके से इस्तेमाल करते हैं उसके वजह से क्या होता है, उसका शक्ति बढ़ता है। जैसे अभी पंजाब वगैरह में है, पंजाब वगैरह में इतना खाद डाल दिए हैं खेतों में कि वहाँ पर बहुत सारी समस्याएँ हो गई है वाली रहती है, उसको मेडिसिनल वैल्यू है। हम लोग इसी में है कि जैसे किसानों को कुछ कुछ बताएं, उनसे बारे में पूछे जाए वो कैसे खेती करते हैं, क्या करते हैं, क्या समस्याएं हैं, क्या खाद यूज करते हैं। तो गाइस हम लोगों ने अभी ये छठा किसान थे हम लोगों का, क्योंकि 5 किसानों से जो है बाबा पहले ही मिल चुके थे और हम थोड़ी लेट आए हैं। तो ये छठा किसान थे हम लोगों का। हम लोग मिले हैं 6 किसान से अभी, और अभी 4 किसान और उन लोगों से मिलना है, अभी ढूंढना है, देखते हैं मिलेंगे कहाँ, है ना? आपको बगीचा वाले से निकाल के मिलेंगे, लेकिन मिलेंगे बगीचे वाले से मिलना है, जो मतलब बगीचा वगैरह लगा रखा है प्लांट प्रोटेक्शन के लिए। भाई जी हमारे साथ में किसान है, चलिए इनसे मिलते हैं। ये अदरक उगा रखे यहाँ से भी ले लेंगे, अंदर जाने की जरूरत नहीं है। आप आ जाइए यहाँ। ये हमारे 8वें किसान है। इससे मुख्य कैसा खेती है और कुछ भी करते हैं? बस खेती है। कितने खेत होंगे आपके पास? नेट खोल के तब होगी 17। कौन सी बासमती?
तो गाइस हमारे नौवे फार्मर जो हैं वो यहाँ मिलेंगे, ये धान की फसल लगा रखे हैं। बोलिए, हम लोग को करना क्या है, जैसे सर्वे ऑफ विलेज तो हो गया होरा वाला का, एग्रोनॉमिकल इंटरवेंशन हो ही गया धान का, अदरक वगैरह हर चीज में गए, सॉइल सैंपलिंग ले लेंगे जाते समय, और फ्रूट एंड वेजिटेबल प्रोडक्शन में एक देखना है, तो फ्रूट वेजिटेबल का हो गया मटर वगैरह, अब फ्रूट का बाकी है। फ्रूट वाला ICR वाला नहीं चलेगा? ICR वाला जो है तब पता नहीं, वो तो बाद का बात है ना, मिल जाएगा तो एक्स्ट्रा हो जाएगा एक और। बाकी जो आम उम वाला खेती करते हैं, देखते हैं बगीचा उगीचा उसी में ले लेंगे। हाँ तो उसमें ले लेंगे, एक एनिमल वाला चाहिए बस, हो गया और सब हो गया। इनसे पूछ लेते हैं ना इधर बगीचा उगीचा है कि नहीं। लोग अब ऊपर जा रहे हैं, ऊपर कोई गाँव किसान से जो फ्रूट्स वगैरह उपजाते हैं आम। तो गाइस हम लोग आ गए हैं थोड़ी दूर, अब तो सब लोग पैदल भी जाते हैं, हम लोग थोड़ी मतलब ऊपर आए हैं ऊंचाई पे, वो क्या कहते हैं आम का बगीचा खोजने के लिए, आम और लीची है ना, आम लीची फ्रूट्स वगैरह का। तो ये देखिए फार्मर वगैरह देखे जाते हैं इधर तो। हाँ गया है कुंदन, कुंदन गया है बात करने, हम लोग वेट कर रहे हैं। यहाँ देखिए ये एक गन्ने का खेत है, बहुत ही अच्छे मेंटेन करके रखे हैं। इन्फॉर्मेशन बोल रहा है, देखो ना जानकारी बोलना चाहिए दादाजी का। तो हमारे दसवें किसान थे, इनसे मिला हूँ, इनका ये पशुपालन था। कौन कौन सी फसलें उगाते हैं आप ज्यादा? गेहूं, गन्ना, मटर, मक्का। तो गाइस हम लोग लगभग 10 किसान से मिल लिए हैं, है ना बाबा? हाँ भाई, कुछ बताइए। 10 किसान से मिले अभी तक तो सब खेती वाले मिले हैं। हाँ, अब बस फूल फल फ्रूट वाले से मिलना है। फल फ्रूट वाले नहीं मिल रहे हैं अभी, दरअसल उनका अभी सीजन ही नहीं चल रहा है ना। हम लोग प्रोसेसिंग यूनिट के पास जा रहे हैं। हाँ एक ये है, कोल्ड स्टोरेज है यहाँ पे पीछे, बस यहाँ से जा रहे हैं हम लोग, इधर से रास्ता है, चलते हैं अभी उनसे बात करेंगे कैसे क्या करते हैं, कैसे क्या करते हैं, थोड़ा हम लोगों को पता भी तो करना है ना कैसे क्या होता है। वही तो हम लोग उसी में हैं। हाँ, फ्यूचर स्कोप, फ्यूचर स्कोप। गाइस ये देखिए केले की फैक्ट्री है, मतलब स्टोरेज है। तो अभी यहाँ पे जो इनके मैनेजर नहीं है, कोई बड़े अधिकारी नहीं है यहाँ पे, तो आने का वेट कर रहे हैं हम लोग, उनसे बात करेंगे हम लोग। स्टोरेज का तो सबसे अच्छा मिल गया। हाँ ए हट जाओ, साइड हट जाओ। जैसे बता रहा है लोग 4 दिन में मतलब टाइम लगता है, 4 दिन में पक कर निकल जाती है। इसका देखिए ये गेट जो है पूरा पैक है, 400 रुपया। एक कैरेट का दाम है 400 रुपया। अच्छा, एक कैरेट का दाम 400। और ये कहाँ से आती है? महाराष्ट्र से। देख रहे हैं बाबा, सारा इन्फॉर्मेशन दीपक के पास है। इतना दूर से केला आ रहा है, फिर मार्केट में बिक रहा है तो कॉस्ट ज़्यादा रहेगा ही, इसलिए सोचते हैं हम लोग के एरिया से क्या यहाँ पर महंगा मिलता है केला। हाँ गाइस, मैनेजर साहब के लिए हमने बहुत देर तक वेट किया लेकिन आए नहीं, अब सोच रहे हैं। मैनेजर साहब शायद निकल गए हॉस्पिटल, उनकी बीवी का थोड़ा सीरियस था सर। अच्छा, ठीक है। तो हम लोग अब जा रहे हैं, कोई बगीचा खोज रहे हैं, इधर आम का बगीचा मैंने देखा था आते वक्त, तो उधर ही हम लोग जाएंगे। अगर फार्मर मिल गए तो मिल गए, उनके साथ फोटो भी हो जाएगा, थोड़ा बातचीत भी कर लेंगे, नहीं तो फिर कुंदन को बना देंगे फार्मर। तो चलिए अभी चलते हैं, चिल चिल आती धूप में हम लोग बस घूम रहे हैं, है ना बाबा? कुछ एक्सपीरियंस बताइए रावे के लिए, ये विलेज अटैचमेंट अगर कोई कर रहे हो तो। विलेज अटैचमेंट अगर ढंग से पूरा किया जाए तो बहुत इन्फॉर्मेशन मिलता है। हाँ बात तो सही है। तो गाइस धूप में करिया हो गए हैं, करिया मतलब काला हो गए हैं, है बाबा? और 12 किसान से हम लोग मिल लिए हैं, और अभी हम लोग जा रहे हैं थोड़ा नीचे, दरअसल वो हमें बगीचा ढूंढना है ना आम वाला, ये रहा पीछे, लेकिन मालिक कौन है ये नहीं पता है, मालिक कौन है? आम है खाली, आम है सिर्फ।
पता करना था, अगर मिल गए किसान तो सही है, नहीं तो फिर हमारे फिर अब हम लोग फिर जाएंगे रोड से पकड़ के किसान बनाएंगे, उसके बाद हम लोग निकल जाएंगे सेला कोई। तो हम लोग बगीचे में आ गए हैं गाइस और फोटो खिंचाएंगे हम लोग, वो फार्मर मिले ही नहीं। देखिए यहाँ पे कुछ कुछ डिजीज लगे हुए हैं तो इनका फोटो हमें लेना है। पेड़ के तना में देखो तो कहीं बोरर वगैरह हो, हम लोग डिजीज ढूंढेंगे यहाँ पे। तो गाइस अब हम लोग थोड़ा एनर्जी ले रहे हैं, दीपक लेगा पूछो, दीपक एनर्जी लेगा, एनर्जी बोले तो ये ड्रिंक मसाला चार्ज। और अभी हम लोगों का हो गया है, अब हम लोग जा रहे हैं यहाँ से सेलक हुई, तो अभी हम लोग यहाँ से लिफ्ट लेकर के जा रहे हैं क्योंकि इधर ई रिक्शा वगैरह कुछ आ नहीं रहा है, बहुत कम आ रहे हैं, कोई कोई आते हैं वो भी बड़े रहते हैं। तो अभी एक कुंदन जो था हमारे साथ उसको हम लोगों ने भेज दिया, एक भैया लेकर अंकल थे वो रुक गए थे, लिफ्ट दे दिए थे। अभी हम लोग भी छाछ पियेंगे उसके बाद देखते हैं कोई ना कोई मिल ही जाएंगे यहाँ से नीचे तक जाने के लिए। तो चलिए अभी हम लोग छाछ पीते हैं, थोड़ा एनर्जी बूस्ट हो जाएगा। हम लोग ई रिक्शा से आ गए थे यहाँ। तो गाइस अब रावे कंप्लीट हो गया हमारा और हम लोग आ गए सेलक हुई ये पीछे। अब हम लोग खाना वाना खाएंगे, सुबह से कुछ खाए नहीं थे। आज का ये ब्लॉग यहीं पे मैं समाप्त करता हूँ गाइज, कैसा लगा कमेंट में बताइएगा। अगर आपको रावे से रिलेटेड जानकारी चाहिए तो कमेंट कीजिए, हम बता देंगे।